Hello guys, my name is Akram and you can call me Aki. I'm a guitar tutor on Urban Pro and teacher on. और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है कि अगर हम कभी भी गिटार कहीं लेने जाएं, कोई अनट्रेंड है, कोई नया बच्चा है या जिसको सीखना है, जो नया गिटार परचेज करना चाहता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए, राइट? सो अगर आप कोई भी गिटार लेने जाते हैं, दिस इज़ माई जम्बो गिटार, राइट? आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो आपका हैंड को सूट करे आप वो चूज कर सकते हैं, बट उसमें बारीकियां क्या देखनी है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो ये फ्रेटबोर्ड है, दिस इज कॉल्ड फ्रेटबोर्ड, ये फ्रेटबोर्ड है वो इनलाइन हो, वो स्ट्रेट हो, वो जरा भी टेढ़ा मेढ़ा या फिर इस एंगल में झुका हुआ एंगल ना हो, राइट? सेकेंड चीज आपको नोटिस करनी है कि उस फ्रेटबोर्ड से जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो ज्यादा फ्रेटबोर्ड से दूर ना हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई छोटे बच्चे सीखते हैं या कोई भी सीखता है तो जब फिंगर एक्सरसाइज या हमें गिटार प्ले करना होता है तो ये प्रेस नहीं हो पाती हैं, ये दब नहीं पाती हैं, ये आपको नोटिस करना है। आपको ये नोटिस करना है कि जो उसकी ट्यूनिंग कीज हैं वो फोल्डेबल हो, वो इजीली से मोल्ड हो सकती हो, वो इजीली घूम रही हो, राइट? थर्ड थिंग आपको नोटिस करनी है इसके साउंड होल का म्यूजिक, कहीं साउंड होल में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं भी अगर वो क्रैक होगा तो साउंड उससे लीक होगा और साउंड अच्छा नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ब्रिज होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रिज, ब्रिज ऑफ अ गिटार, ये स्ट्रिंग्स जिससे हमने इंटैक्ट करके रखी होती है, इसकी जो पिंस है वो बिल्कुल इनलाइन हो और बिल्कुल टाइट हो, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग से अटैच प्रॉपर नहीं होगी, टाइट नहीं होगी, तो जैसे ही आप प्ले करेंगे आपकी स्ट्रिंग्स टूटने का ज्यादा डर रहेगा। होप यू लाइक इट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।